नमस्कार दोस्तों, लम्हा त्रौ भाई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आजकल की प्रॉब्लम, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वह है पति पत्नी में आपसी प्रेम, जो कि पहले पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन का कितना सुख में होता था, आजकल का रिलेशनशिप तो बिल्कुल मतलब दाल में झोल वाली बात हो गई है। मतलब आपस में प्रेम ही नहीं है, बस बच्चों की तरफ देखकर या तो कुछ लोग जिंदगी काट रहे हैं, रिश्ता निभा रहे हैं, प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग अलग से प्रेम के रिश्तों में हैं उनके बीच भी ये फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप, दुनिया देख मतलब एक मजाक बना के रख दिया पत्नी पत्नी का जो रिश्ता है। मैंने बहुत से देखे हैं और जो प्रेमी जोड़े हैं उनका भी देखा है और बहुत से लोगों का मैसेज आया है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, पति पत्नी की मतलब अनबन, प्रेमी प्रेमिका की अनबन। आप अपनी प्रेमी से परेशान हो, आप अपनी प्रेमिका से परेशान हो, आप अपने पति से परेशान हो, पत्नी से प्रेम, मतलब आपका प्रेम है जो दिनों दिन घुटता जा रहा है, पिसता जा रहा है। रिश्ते की कोई अहमियत रही नहीं, मजबूरियों में जिए जा रहे हो, जिंदगी काट रही हो। तो ये तो ऐसा तो जानवर भी नहीं करते जिस तरीके से आजकल के इंसान कर रहे हैं। तो एक ऐसा ही उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सरल है। पति या पत्नी या प्रेमी प्रेमिका कोई भी कर सकता है, किसी उम्र के भी व्यक्ति कर सकते हैं, स्त्री कर सकती है और किसी भी समय कर सकते हैं। आपको सिर्फ मात्र 5 दिन लगातार इस प्रयोग को करना है। उससे पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन रहेगा, अगर अब तक आपने हमारा लम्हा त्रौ भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको विटोट के वे मंत्र बता पाए। वीडियो को पूरा देखें, ज्ञान पूरा अर्जित करें, उसके बाद ही कोई वीडियो को करें, अन्यथा आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुराचार की तरफ लेके जाता है। आपको कहीं ना कहीं संक्षेप रूप में परिणाम नहीं मिलेंगे किसी भी टोटके के लिए। तो आपको शुक्रवार या सोमवार से शुरू करना है इस कार्य को। आपको 5 दिन लगातार सिर्फ स्नान करना है, सुबह 4 से लेकर 5 बजे के बीच का जो 1 घंटे के दौरान आपको स्नान करना है। अब आप सोच रहे होंगे मात्र स्नान आदि करने से पति पत्नी के ये प्रेमी प्रेमिका संबंध कैसे सुधर सकते हैं, कैसे आपसी प्रेम बढ़ सकता है। तो आप एक बार कीजिए इस चमत्कार को, बहुत से पौराणिक लोग करते थे और पौराणिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। आपको करना है कि एक शुद्ध जल लेना है, हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल मिला ली, हल्दी चाहिए और 5 चाहिए फूल वाले साबुत लौंग। स्क्रीन पर जो मंत्र शो हो रहा है इस मंत्र का आपको लगभग 221 बार उच्चारण करना है पूरी शुद्धता से, विचार से। आप उस इंसान का नाम भी लें और आपको इसके अंदर 11 बार इस तरीके से नाम लेकर उस इंसान का इसके अंदर हल्दी डालनी है। आपको इसी तरीके से 11 बार आपको इसके अंदर हल्दी डालनी है, उसका 11 बार नाम लेकर। अब जैसे ही आप हल्दी डाल देते हैं तो ये पूरे लौंग आपको अपनी बॉडी पर टच करने, पूरे बदन को लगाने हैं। लगा देने के बाद अपनी जीवा पर रखकर एक बार जो मंत्र चक्रम का सोहर है इसको बोलना है, जीवा पर रखकर मुख में रखकर इसके अंदर डाल देना। फिर से इसी तरीके से अपने मुख में रखकर इस लौंग को और फिर से मंत्र का जाप करना, फिर इसके अंदर इसी तरीके से 5 के 5 लौंग आपको जल में डाल देनी है। डाल देने के बाद आपको क्या करना है, इसी जल को पूरी शुद्धता से मंत्र का जाप करने के बाद आप इसके अंदर फूंक मारें 3 बार उसका नाम लेकर, और इसी जल को आप बहुत बड़े पात्र में जिसमें आप स्नान करते हैं एक पात्र में लें जल स्नान आदि करने का, उसके अंदर डालकर आपको 3 से 4 बजे के समय स्नान करना इसी जल से लगातार 5 दिन करें। आप स्वयं पहले दिन से ही आप इसका चमत्कार देखेंगे, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे का समय ही उत्तम है इस कार्य को करने के लिए। तो बीच का रास्ता नहीं निकाली, पानी गर्म है ठंडा है वह आप पर निर्भर करता है, आप जैसा हो वैसा ले सकते हैं। लेकिन इस प्रयोग को करने के बाद करें, पूरी शुद्धता से करें, हाथ मुंह धोकर कुल्ला आदि करके उसके बाद बैठे, दिशा पूर्व रहेगी इस कार्य को करने के लिए, लाल आसन लगाकर उसके बाद आप इस कार्य को करें। याद रहे आपका कोई भी अंग पृथ्वी से यानी कि धरती से जमीन से फर्श से न लगता हो, इसलिए आसन बिछाएं। इसके बाद स्नान आदि करके चंदन का तिलक लगा लें और फिर से ईश्वर को प्रणाम करें और अपने रिश्तों में मधुरता लाएं। नेगेटिविटी को दूर रखें, पॉजिटिव विचार रखें, और जब आपने कर लिया इस प्रयोग को तो पूरी निर्धारता से आप सोच लीजिए कि आपने यह कार्य कर लिया, अब आपके प्रेम में सुधार आ जाए, सच्चे दिल से करें। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप भेजिए जो कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट में स्क्रीन पर दिया गया है। इसी साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद।